अपना बिहार आपके साथ में हूँ शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तल्ख तेवर देखने को मिले हैं। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा, कितनी बार सीएम पद की शपथ ली याद नहीं है, अब आरजेडी क्या, जनता को भी सीएम नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं रहा, उनकी शपथ का कोई मतलब नहीं है। और आगे तेजस्वी यादव कहते हैं कि उन पर किसी को भरोसा नहीं रहा, उन्होंने दो बार हमें धोखा दिया है, इस बार इसका कोई मतलब नहीं है, अब लोगों ने उनके लिए दरवाजे बंद कर लिए हैं। मेरे आवास पर हाथ जोड़कर माफी मांगी थी उन्होंने, विधायकों ने सदन में भी माफी मांगी है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये बड़ा हमला किया है। आइए आपको दिखाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। तीसरी चौथी बार हमने देखा है कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म कहिए, मंच से वो कसम खाते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, अब आपके साथ हो नहीं जाने वाले। कितनी बार ये कसम खा चुके हैं इधर या उधर, वो आपको भी याद नहीं होगा, बिहार की जनता तो छोड़िए, किसी पत्रकार को भी याद नहीं होगा कि इधर आए तो कितनी बार कसम खाए, उधर गए तो कितनी बार कसम खाए। उनका कसम का कोई मतलब नहीं है, देयर इज अ जीरो वैल्यू ऑफ उनका जो भी कसम उखाते हैं, कोई वैल्यू नहीं, मतलब नहीं है, और कोई विश्वास भी नहीं करता, कब पलट जाए कभी हो जाए कोई मतलब नहीं। लेकिन अब दो बार हम लोगों ने उनको जिंदा कर दिया, दो बार दया कर दिया उन पे जिंदा करके, दोनों बार वही रूप उनका दिखा, तो इस बार कोई मतलब नहीं है। अब तो जनता ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, तो हम लोग कौन होते हैं। आपने कल कहा कि पैरों पे गिर पड़े थे, गिरगिरा रहे थे। हम तो गिरगिरा रहे थे, हम तो कितने हमारे घर जब आए तो हाथ जोकर जोड़ करके माफी मांग रहे थे। तेजस्वी यादव को आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके घर पर सीएम नीतीश कुमार आए थे, दो बार उन्होंने साथ में उनका साथ दिया लेकिन उन्होंने धोखा दिया है। और हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़े हुए हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सबसे पहले तो आपका रिएक्शन देखिए, तेजस्वी यादव अब सीधे उन्होंने मुख्यमंत्री पर इस बार हमला बोलते हुए कहा है कि दो बार उन्होंने धोखा दिया है और अब नीतीश कुमार पर जनता कोई भरोसा नहीं रहा। सबसे पहले तो मेरा अनुरोध होगा कि मेरा सुबह का ट्वीट आप दिखाइए, और पिता रहे अंधेरा में बेटा पावर हाउस, मैंने इनके पिता कह रहे हैं, मैंने वीडियो डाला है कि 2015 में मैं मीडिया के साथी पूछ रहे हैं कि आपने पहले फोन किया कि नीतीश जी ने किया, तो इनके पिताजी बोल रहे हैं कि हमने पहले फोन किया, तब पिता रहे अंधेरा में बेटा पावर हाउस है, ज्ञान दे रहे हैं, और हमारे बारे में कह रहे किसके गोद में है, तो आप किसके गोद में खेल रहे थे। मैंने अभी बयान दिया है कि 22 दिसंबर 1989 को लालू जी ने सदन के अंदर लोकसभा में बोला कि भागलपुर को बदनाम करने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए, तो प्रमाण पत्र कौन दे रहा था, बीजेपी आरएसएस को। हमारे बारे में कह रहे कि सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ में खेल रहे, और आप किसको प्रमाण पत्र दे रहे थे माननीय लालू प्रसाद जी। तेजस्वी यादव को पूछना चाहिए, अपने पिता से पूछ नहीं रहे हैं, लज्जा लग रहा है पूछने में, अरे सच को कबूल करिए। ठीक है, चलिए आपका आपके सवालों का जवाब आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी से ले लेते हैं। शक्ति यादव जी, नीरज कुमार जो है वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने पहले कहा था कि उन्होंने कॉल किया था, आप लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आपके पास आए थे। एक कहावत है बिहार में कि सांच को आंच की आवश्यकता नहीं होती है, दलीलें जिस रूप में कोई पार्टी के लोग अपनी पार्टी के संरक्षण में देते, पर यह सात्विक सत्य है कि जो वीडियो है, जो फुटेज है, वो झूठ नहीं बोलता, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तो वीडियो झूठ तो कभी बोल नहीं सकता, और राष्ट्रीय जनता दल ने कभी भी आग्रह नहीं किया और ना ही कभी अप्रोच किया। हाँ, ये बात तो सत्य है, आप जो पूछा, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब भारतीय जनता पार्टी ने जब कमंडल यात्रा निकाली थी बीपी सिंह के खिलाफ, तो आडवाणी जी को यहीं पर अरेस्ट किया गया था।